हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। जुडिशियल एग्जाम वॉचर चैनल से मैं राजेश कुमार सोनी। आज से हम शुरू कर रहे हैं उत्तर प्रदेश शहरी भवन किराए पर देने, किराए पर बेदखली का विनियम अधिनियम 1972, यूपी अर्बन बिल्डिंग रेगुलेशन ऑफ लेटिंग रेंट एंड इविक्शन एक्ट 1972। बहुत अच्छा एक्ट है, काम आता है प्रैक्टिस में भी, एग्जाम में भी। आज हम इस सेक्शन का, इस एक्ट का सेक्शन 2 देखेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है, हर बार परीक्षा में कुछ ना कुछ इससे आता है। सेक्शन 2 में बताया गया है कि वो कौन से ऐसे भवन हैं जिन भवनों पर यह अधिनियम लागू नहीं होगा, इस बात की चर्चा की गई है। और ये सेक्शन कुछ लंबा है, इसलिए इससे क्वेश्चन भी घुमा फिरा करके पूछते ही पूछते हैं। तो चलिए जान लेते हैं कि सेक्शन 2 बात करती है कि वो कौन से भवन हैं जिन पर यह अधिनियम लागू नहीं है। तो सबसे पहला भवन तो वही होगा जिसका मकानदार या मकान मालिक सरकार होगी। अब सरकार वो केंद्र सरकार भी हो सकती है, राज्य सरकार भी हो सकती है। इसी में ये कहा गया कि ऐसा मकानदार जो सार्वजनिक क्षेत्र का कोई निगम है, ऐसे भवन पर भी लागू नहीं होगी। या फिर कोई कंटोनमेंट बोर्ड यानी कि छावनी परिषद उसका मालिक है, तो उस भवन पर भी लागू नहीं होगा ये एक्ट। तो ये सेक्शन 2 ने क्लियर कर दिया कि ये जो लोग हैं, सरकार, कंटोनमेंट बोर्ड, सार्वजनिक क्षेत्र का निगम, अगर ये किसी भवन के मकान मालिक हैं, तो भवन स्वामी हैं, तो ऐसे भवनों पर यह लागू नहीं होगी। कोई स्थानीय प्राधिकारी भी अगर ऐसे भवन का मकानदार है, तो उस भवन पर भी लागू नहीं होगी। यह सेक्शन 2 का पहला क्लाज। लेकिन हम लोग क्लाज बाई क्लाज याद ना करें तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बस हमें ये पता होना चाहिए कि ये एक्ट किन किन भवनों में लागू नहीं होता। वो आगे पीछे हो जाएंगे, चलेगा। तो अब दूसरी बात है कि अगर कोई मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्था या उसमें निहित कोई भवन है, तो उस भवन पर भी ये अधिनियम लागू नहीं होगा। तीसरी बात ये है कि ऐसा भवन जो किसी सार्वजनिक धार्मिक संस्था के या उसमें निहित किसी भवन पर है, यह तो कोई भवन इस सार्वजनिक धार्मिक संस्था पर निहित है या सार्वजनिक संस्था उस भवन की स्वयं मकानदार है, ऐसे भवनों पर भी लागू नहीं होगा ये एक्ट। यह तो स्वयं उस संस्था का भवन है या कोई भवन उस संस्था पर निहित कर दिया गया है, तो उस भवन पर भी ये अधिनियम लागू नहीं होगा। तीन बातें हो गई। तो मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्था याद रखिए, और सार्वजनिक धार्मिक संस्था याद रखिए, और तीसरी है वक्फ। तो वक्फ अलग औलाद भी सम्मिलित है वक्फ में, तो आप ट्रस्ट कह लीजिए। ट्रस्ट में ये जो मुस्लिम वक्फ होते हैं, उसमें वक्फ औलाद भी शामिल है अगर इस प्रकार का है, तो ऐसे भवन जिनका ये स्वयं मालिक है या कोई भवन इनमें निहित है, तो ऐसे भवन पर भी ये एक्ट लागू नहीं होगा। और अब फैक्ट्रीज एक्ट 1948 की बात करता है और कहता है कि कोई ऐसा भवन जो
फैक्ट्रीज एक्ट 1948 के अर्थ में फैक्ट्री है, तो फैक्ट्री के रूप में उस अर्थ में प्रयोग किया जाता है। या ऐसा कोई भवन जो इस एक्ट के अंतर्गत जिसे फैक्ट्री कहते हैं, उस अर्थ में कोई ऐसा भवन जो फैक्ट्री के रूप में प्रयोग किए जाने वाला है, और जहां पर ऐसा फैक्ट्री का संयंत्र या मशीनें लगा दी गई हैं, या फिर वह जगह उस फैक्ट्री को पट्टे पर दी गई है, इन कंडीशंस पर भी ये अधिनियम लागू नहीं होगा। तो कुल मिलाकर के आप समझिए, फैक्ट्रीज जो फैक्ट्री एक्ट के अंतर्गत फैक्ट्री है, फैक्ट्री की जो परिभाषा है, तो उस अर्थ के अंतर्गत यदि कोई ऐसा भवन है जहां पर फैक्ट्री है और वो फैक्ट्रीज एक्ट के अर्थ में फैक्ट्री कहलाती है या कहलाई जा सकती है, तो उस पर भी नहीं होगा। और अगर फैक्ट्री के अर्थ में कार्य करने के लिए कोई भवन का पट्टा भी कर दिया गया है, तो पट्टा ग्रहित जो है भवन है, उस भवन पर भी लागू नहीं होगा यह एक्ट, इतना बात करता है। इसके बाद कोई ऐसा भवन है जो औद्योगिक प्रयोजन के लिए प्रयुक्त किया जाता है, औद्योगिक प्रयोजन के लिए प्रयुक्त किया जाता है, या जैसे सिनेमा या नाट्यशाला के रूप में प्रयोग किया जाता है। अभी सिनेमा और नाट्यशाला में थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा, वो हम लोग क्लियर करेंगे आगे चल के। तो अभी ये समझ लीजिए कि औद्योगिक प्रयोजनों के लिए कोई भवन है, औद्योगिक प्रयोजनों के लिए कोई भवन प्रयोग किया जाता है, या सिनेमा है तो औद्योगिक प्रयोजन के लिए भवन हो गया, सिनेमा हो गया, नाट्यशाला हो गया तो नाट्यशाला के रूप में, सिनेमा के कार्य के रूप में ये भवन प्रयोग किए जाते हैं, तो उन पर, उन भवनों पर भी ये एक्ट लागू नहीं होगा। इसके बाद इन्होंने कहा कि कोई ऐसा भवन है जिस पर आमोद प्रमोद सार्वजनिक मनोरंजन के रूप में प्रयोग किया जाता है, यानी कि वो ऐसा भवन है सार्वजनिक है, पब्लिक के लिए है, और वहाँ पर आमोद प्रमोद के साधन है, सार्वजनिक मनोरंजन की व्यवस्था है, तो ऐसे भवन पर भी ये एक्ट लागू नहीं होगा। सोसाइटी पंजीकरण एक्ट के अंतर्गत कोई पंजीकृत सोसाइटी का भवन है, सहकारी समिति कोई भवन है सहकारी समिति के लिए, या सहकारी समिति द्वारा कोई भवन निर्मित किया गया है, और वह अब इन्हीं कर्मचारियों के प्रयोग में लाया जाता है, सहकारी समिति के कर्मचारियों के लिए प्रयोग में लाया जाता है, तो ऐसे भवन पर भी यह एक्ट लागू नहीं होगा। तीसरी बड़ी बात यह कहता है, जो बहुत पूछा जाता है, अक्सर गलत हो जाता है, कि ऐसा भवन जिसका कोई जिसका मासिक किराया ऐसा भवन जिसका मासिक किराया 2000 रुपये से अधिक हो, तो मतलब ये हुआ कि 2000 रुपये से कम किराए वाले भवनों पर, वो चाहे जैसे भी भवन हो, तो उसमें लागू होना ही नहीं है। तो ये भी एक स्पष्ट और बड़ी बात है कि 2000 रुपये से कम वाले के मासिक किराए वाले भवनों पर ये एक्ट नहीं लागू होगा। ये एक्ट तो वहीं लागू होगा जिस भवन का किराया 2000 रुपये से अधिक हो, मासिक किराया 2000 रुपये से अधिक हो, उन पर लागू होगा। तो ये एक बात है और ये याद रखने वाली बात है। मैंने देखा बहुत लोगों से ये इनमें से कौन सही है, इनमें से किन भवनों पर यह अधिनियम लागू नहीं होता है, तरह तरह से बहुत सारी चीज़ें पूछ लेते हैं, तो इन पर, इस पर भी लागू नहीं होगा। और अब अगर कोई विदेशी मिशन या अंतर्राष्ट्रीय अभिकरण, अगर जिसका कोई किराएदार विदेशी मिशन या अंतर्राष्ट्रीय अभिकरण हो, तो उस भवन पर भी लागू नहीं होगा। तो कोई ऐसा भवन जिसका किराएदार विदेशी मिशन या कोई अंतर्राष्ट्रीय अभिकरण है, तो ऐसे भवन पर भी
ये अधिनियम लागू नहीं होगा। इस वीडियो के माध्यम से हमने धारा 2 का एक पार्ट कवर किया है। धारा 2 काफ़ी लेंदी है, काफ़ी लंबी है, डिटेल है, तो इसकी कुछ और मुख्य विशेष बातें नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे। छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से आपको चीज़ों को समझने और याद करने में सुविधा होगी। तो कैसा लगा ये वीडियो, कमेंट करिए, लाइक करिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।